तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर रख ली है छन्नी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, एक कप ले रही हूँ पाउडर शुगर ले रही हूँ यहाँ पे, और एक कप ही लूँगी मैं यहाँ पे कोको पाउडर ले रही हूँ, तो कोको पाउडर भी इसमें डाल देंगे। और एक कप मैं लूँगी यहाँ पे मिल्क पाउडर लूँगी, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड का। तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे छान लेना है। आप जो भी चीज़ें लें वो सारी इक्वल प्रोपोर्शन में लें, इक्वल मात्रा में लें, सारी चीज़ें एक कटोरी सेट कर लें या एक कप सेट कर लें, उसी से सारे इन्ग्रीडियंट्स लें। तो यहाँ छान लिया है मैंने, और ये जो बच गया है इसको हम फेंक देंगे। और ये ड्राई जो ड्राई मिक्सचर है इसको मैं रखती हूँ साइड में। यहाँ मैंने गैस पे एक पतीले में एक गिलास पानी चढ़ा लिया है, और ये पानी जो है बॉईल हो रहा है। इसके ऊपर रख रही हूँ मैं एक एल्युमिनियम की कढ़ाई, और इसमें एक कप मैं डाल रही हूँ सॉल्टेड बटर। तो अब मैं इसको यहाँ पे मेल्ट कर लूँगी, बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो बटर जो है यहाँ पे मेल्ट हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें जो ड्राई मिक्सचर तैयार किया था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इससे मिक्स कर दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी ये चॉकलेट बनके तैयार होती है, 10 मिनट में ये चॉकलेट बनके तैयार होती है, एकदम मार्केट जैसी तैयार होती है, होममेड चॉकलेट है। तो ये सारा जो ड्राई मिक्सचर है वो मैंने डाल दिया है, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। बस 10 मिनट में ये चॉकलेट बनके तैयार हो जाती है, और इसको हमें अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। और ऐसे ही हमें गाढ़ा रखना है यहाँ पे, इसको एकदम लिक्विड में नहीं होने देना है, बस गाढ़ा रखना है। गैस बंद करेंगे और ये देखिए तैयार है। ऐसा ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपका बटर कम हो जाए तो आप बटर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स ले लिए हैं, ये मैंने मफिन्स का मोल्ड लिया है, और यहाँ मैंने चॉकलेट का मोल्ड लिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सारे जो है मिक्सचर को वो भर दूंगी मोल्ड्स में। बहुत जल्दी ये चॉकलेट बनके तैयार होती है, और आप बना रहे हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाले चॉकलेट, तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काजू इसमें फिल कर रही हूँ, तो एक काजू मैंने काट रखा है उसको बीच में से, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप सारे बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पे मफिन्स वाले मोल्ड में भी भर लेंगे। और अगर आपके पास क्यूब वाली ट्रे है जिसमें हम आइस जमाते हैं, अगर आपके पास वो है, वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जमा सकते हैं, लेकिन इसको आप ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें। तो इसके नीचे मैंने ट्रे लगा रखी है क्योंकि रखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था, और ये देखिए तुरंत ये एकदम अच्छी तरीके से जम गई है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया से ये बाहर आ गई है इतने आराम से, और कितना बढ़िया इसका शेप आया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मफिन्स वाले मोल्ड में से भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने आसानी से निकल के इतना रोज़ कितना प्यारा रोज़ इसका शेप आया है। तो इसी तरीके से सारे निकालेंगे। मैं एक और आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और सारे इसी तरीके से मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए इसको निकाल के सेट कर लिया है, सजा लिया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।